मशीन के अंदर हम दोस्तों गन्ना लगा के आपको गन्ने का जो जूस ठंडा निकलता है उसका टेम्परेचर भी दिखाएंगे कि कितना ठंडा आप लोगों को दे सकते हो। लोगों के हाथ में जो ड्रिंक जाएगा पीने के लिए वो कितना चील्ड और कितना ठंडा होगा ये मीटर के अंदर नाप के हम आपको जूस का टेम्परेचर भी बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो को कंटिन्यू स्टार्ट से लेके एंड तक आप जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली 2022 का सबसे लेटेस्ट मॉडल सुगर केन मशीन कार्ट विथ चिलिंग सिस्टम विथ डस्टबिन सिस्टम वाला है। ये वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपको पूरी डिटेल देने वाले दोस्तों के गन्ना कैसे सफाई किया जाता है, कैसे मशीन में क्रशिंग किया जाता है, कैसे अंदर से ठंडा और चील्ड जूस निकाला जाता है, कैसे नॉर्मल जूस निकाला जाता है और कैसे ठंडा जूस निकाला जाता है। ये वीडियो के अंदर दोस्तों पूरी डिटेल्स और पूरी जानकारी देने वाले। इसका वेस्टेज कचरा है डस्टबिन कितना परसेंट क्रश करता है और उसका वेस्टेज कहां पे निकलता है दोस्तों, और मशीन की क्या क्या खासियत है, वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके अंत तक पूरी देखिए, तभी आपको इसकी नॉलेज और डिटेल्स और जानकारी मिलेगी दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि पूरी स्टेनलेस स्टील से बनाई गई कार्ट है, मूवेबल, कहीं पे भी आप मूवमेंट करके कार्ट है कहीं पे भी चला सकते हो। मशीन 220-240 वॉट इलेक्ट्रिक पावर पे चलने वाली है। पूरा दिन चलाने से आपको अराउंडली 7-8 यूनिट की पावर खाती है और मशीन की कैपेसिटी है रोजाना 2500 ग्लास तक आप सुगर केन ठंडा और चील्ड जूस निकाल सकते हो। मशीन अभी ऑपरेटिंग है, चालू है। मशीन के अंदर -7 का टेम्परेचर है दोस्तों। ये मशीन के अंदर हम दोस्तों गन्ना लगा के आपको गन्ने का जो जूस ठंडा निकलता है उसका टेम्परेचर भी दिखाएंगे कि कितना ठंडा आप लोगों को दे सकते हो। लोगों के हाथ में जो ड्रिंक जाएगा पीने के लिए वो कितना चील्ड और कितना ठंडा होगा ये मीटर के अंदर नाप के हम आपको जूस का टेम्परेचर भी बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो को कंटिन्यू स्टार्ट से लेके एंड तक आप जरूर देखिए। पूरी मशीन दोस्तों स्टेनलेस स्टील से बनाई गई है। यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम हमने दिया है, देख सकते हैं। लाइट आप स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे अलग अलग कलर्स की लाइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे यहाँ से आपको गन्ना एंटर करना है दोस्तों। यहाँ से आपको कोई कस्टमर नॉर्मल जूस मांगता है तो यहाँ से नल खोल के नॉर्मल दे सकते हो, या कोई ठंडा जूस मांगता है तो यहाँ से ठंडा ले सकते हो। यहाँ पे हमने गन्ना छीलने साफ करने के लिए हैंड ऑपरेटिंग मशीन लगाया हुआ, जिससे आप गन्ने को आसानी से छील या साफ कर सकते हो दोस्तों। अभी दोस्तों हमने मशीन के अंदर वाटर लाइन दिया है, फिलहाल हमने गन्ना नहीं डाला है। अभी इसके अंदर से पानी निकलेगा तो सबसे पहले जो लाइन में जितना पानी है उतना निकाल लेते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं अभी पानी निकल रहा है आपके सामने ही, हम गन्ना का जूस निकालेंगे दोस्तों, इसलिए हमने इसमें पानी डाल के रखा हुआ है। ये पानी निकला हुआ है फिलहाल, उसके बाद हम दूसरा ग्लास भी निकालेंगे पानी का। ये एकदम चील्ड और ठंडा पानी निकल रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये पानी का टेम्परेचर भी नापना है तो आप नाप सकते हो दोस्तों। फिलहाल इसका डिग्री आप देख सकते हो 27 का टेम्परेचर है, देखा इसे 27 देखा इस 27। अभी इसके अंदर हम पानी में डालेंगे, कितना टेम्परेचर हो जाएगा आपको लाइव दिखेगा दोस्तों वीडियो में। ये आप देख सकते हो धीरे धीरे 27 से धीरे धीरे कितना डाउन जा रहा है, देखा इसने लाइनिंग में धीरे धीरे 27 था, अभी कितना आ रहा है धीरे धीरे। आपको पानी का टेम्परेचर कितना है मीटर इसलिए हमने रखा हुआ है कि आप आसानी से देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि इसका टेम्परेचर कितना है फिलहाल। ये 13.1 समथिंग आ चुका है और धीरे धीरे डाउन चल रहा है। अराउंडली 7-8 का टेम्परेचर का है पानी मेरे हाथ में है जो ठंडा और चील्ड है। अभी ये पानी फेंक के मैं आपको गन्ने का भी जूस लाइव टेम्परेचर बताऊंगा दोस्तों इसमें, ठीक है। अभी ये पानी हम इसको जाने देते हैं वेस्टेज के अंदर। पहले जितना पानी है उतना हम लाइन में से निकाल लेंगे दोस्तों। ये पानी खत्म हो चुका है दोस्तों। उसके बाद अभी हमारे पास शुगर केन पड़ा है, इसको थोड़ा पहले साफ करेंगे। कैसे साफ होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, गन्ना डालना है आपको सफाई के लिए। पहले गन्ने का क्वालिटी देखिए और साफ करने के बाद कैसा हो जाता है गन्ना आप देख सकते हैं यहाँ पे।
गन्ना हमने साफ कर दिया दोस्तों। आप देख सकते हैं पहले क्या गन्ना का पोजीशन था, ये पहले का गन्ना है और दूसरा साफ करने के बाद का गन्ना है मेरे पास, आप देने का दोनों देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दूसरा गन्ना भी हम साफ कर लेंगे। यहाँ से कोई भी साइज का गन्ना है, जैसे कि ये गन्ना थोड़ा मोटा है और ये गन्ना पतला है, आप देख सकते हो दोनों का डायमेंशन। इसमें कोई गन्ने की साइज की कोई एक्सेबिलिटी नहीं है, कोई भी साइज का आप गन्ना इसमें यूज कर सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको भी हम साफ कर देंगे। उसके बाद एक और गन्ना ले लेंगे हम यहाँ से। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कचरा है, वेस्टेज है, सब यहाँ पे छिल चुका है, आप देख सकते हैं पूरा। और दोस्तों फिलहाल अभी इसमें से हमने पानी निकाल के आपको बताया दोस्तों, आप देख सकते हैं फिलहाल पानी निकल रहा है। और हमारी मशीन की खासियत है कि लाइव ऑनलाइन चिलर है, आपको गन्ना डाल के 5 मिनट 10 मिनट वेट करने का जरूरत नहीं है, सीधा गन्ना डाल के नल में से लाइव जूस निकाल सकते हो, लाइव ठंडा जूस निकलेगा दोस्तों। ये आप लाइव गन्ना डालते हो तो अराउंडली आपको 5-7 मीटर अगर रखेंगे तो जूस काला हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा दोस्तों। इसलिए हमारी मशीन की खासियत है कि जो गन्ना आप डालेंगे उसका ही जूस ऑनलाइन मशीन के अंदर लाइव लेके ऑनलाइन ठंडा और चिल निकाल के देंगे। अभी हम मशीन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये मशीन का बटन स्टार्ट किया हमने, अभी इसके अंदर हम गन्ना फिलअप करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी गन्ना लगा दिया हमने इसमें। कोई कस्टमर नींबू का टेस्ट मांगता है, कोई मौसम्बी ऑरेंज का टेस्ट मांगता है, या कोई कस्टमर आदू या अदरक मांगता है, तो ये भी आप इसमें डाल सकते हो इसमें लगा के। जब देख सकते हैं अभी हमने लगा दिया गन्ना इसके अंदर, अभी हम थोड़ा लाइन में से निकालेंगे यहाँ से। आप देख सकते हैं पहले पानी निकल रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी आ रहा है लाइन में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें फिलहाल पानी लाइन में था, अभी लाइन में से पानी निकल जाएगा। आप देख सकते हैं ये गन्ने का जूस आना चालू हो चुका है इसके अंदर। अभी एकदम गन्ने का जूस लाइव स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम कलर देखिए इसका दोस्तों, एकदम कलर इसका देखिए आप, एकदम चील और ठंडा जूस निकल रहा है इसके अंदर से। और एक गन्ना हम लगाएंगे यहाँ पे, ये ठंडा और चील्ड जूस हमारे पास पड़ा हुआ है। और एक गिलास में हम सादा नॉर्मल जूस निकालेंगे यहाँ से, ये सादा जूस है ठंडे बिना का है दोस्तों, कोई कस्टमर ठंडा नहीं मांगता है, सादा जूस मांगता है, तो आप यहाँ से निकाल के उसको दे सकते हो दोस्तों। एक साइड में हमने यहाँ पे नॉर्मल जूस रखा हुआ है, एक ठंडा रखा हुआ है, दोनों का भी हम टेम्परेचर चेक करेंगे दोस्तों। यहाँ से हमारे पास टेम्परेचर मीटर है कि दोनों का टेम्परेचर कितना है, अभी 30 का टेम्परेचर है, आप देख सकते हैं इसमें, देखा इसने, अभी जो हमारे पास नॉर्मल जूस है उसमें हम लगाएंगे, पहले जो सादा नॉर्मल जूस है ठंडे बिना का उसमें लगाएंगे, उसका टेम्परेचर नापेंगे कितना है। ये जो सादा नॉर्मल जूस निकला है उसका हमारे पास टेम्परेचर मीटर है, बस 30 ही है, 30.1, उससे कम नहीं जा रहा है दोस्तों। उसके बाद हमारा जो लाइव ठंडा जूस है एकदम चील जो हमने निकाला है मशीन के अंदर से, इसका हम नापेंगे यहाँ पे, ये 30 का टेम्परेचर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे डाउन जा रहा है, देख सकते हैं आप पूरा। ये ऑनलाइन लाइव चीज है दोस्तों, लाइव ठंडा आपके सामने निकला है, हमने चीज अंदर से गर्म डाला है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है डाला है, इंस्टेंट लाइव ठंडा और चिल्ड जूस अंदर से मशीन के अंदर से निकला हुआ है दोस्तों। ये देख सकते हैं धीरे धीरे जा रहा है, मैंने आपको पहले पानी का टेम्परेचर भी बताया कि 6 या 7 नंबर तक का टेम्परेचर जो ड्रिंकिंग कस्टमर आपके वहाँ पियेंगे वो 6 या 7 नंबर के टेम्परेचर का ड्रिंक कर सकते हैं इसका।
देख सकते हैं 13.2 है, 13.8, धीरे धीरे एक एक करके 7 नंबर तक डाउन हो सकता है इसके अंदर प्लस 7 का, क्योंकि इसके अंदर -6 या -7 का टेम्परेचर है, तो ये प्लस 7 का जितना मशीन के अंदर टेम्परेचर है, अगर आप 0 का टेम्परेचर है तो 10 नंबर का पीने में आएगा, -5 का टेम्परेचर है तो प्लस 5 का टेम्परेचर आएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं 12.1 हो चुका है, अभी धीरे धीरे डाउन हो ही रहा है इसका सिस्टम के हिसाब से। आप देखिए 12.0 हो चुका है और इसका जो वेस्टेज है दोस्तों, कचरे का जो वेस्टेज बॉक्स है हमारे पास, यहाँ पे वेस्टेज बॉक्स का बाउल यहाँ पे हमने रखा हुआ है, जो अपना भी गन्ना डाला है उसका कचरा या वेस्टेज कुछ भी है यहाँ पे बॉक्स के अंदर सब आ जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं बॉक्स हमारे पास यहाँ पे है, जो अभी हमने गन्ना डाला उसका एक कचरा निकला है दोस्तों। वन टाइम में 97% क्रशिंग हो चुका है दोस्तों। स्टेनलेस स्टील का बॉक्स है, देख सकते हैं पूरा, जरा भी एक बूंद भी जूस इसके अंदर है नहीं दोस्तों। 99% इसका क्रशिंग लेवल है मशीन का। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह की बेहतरीन क्वालिटी की मशीन्स की ज्यादा डिटेल, ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों डॉल्फिन अप्लायंस के दिए गए कस्टमर केयर नंबर पे कांटेक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हो दोस्तों। मशीन की प्राइस क्या है, डिटेल्स क्या है, साइज क्या है, मशीन की कितनी कैपेसिटी है, डिलीवरी कैसे मिलेगी, इंस्टॉल कैसे होगी, पैकिंग चार्ज क्या है, ट्रांसपोर्ट चार्ज क्या है, हर एक डिटेल जानकारी हमारी सेल्स टीम आपको प्रोवाइड कराएगी दोस्तों। इस तरह के अलग अलग बिजनेस, नए नए बिजनेस आइडियाज जानने के लिए दोस्तों डॉल्फिन अप्लायंस में एक बार जरूर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।